Pehelgam, what a beautiful place. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. This beautiful piece of heaven lies at a distance of 90 kilometers from Srinagar. यहाँ आते वक्त रास्ते में we stopped at the Pehelgam Apple Valley. उसके बाद लिदर रिवर के साइड से चलते हुए we resumed our journey towards Pehelgam. And Pehelgam पहुँचने से पहले ही you will realize you are going to a very beautiful place. So, हम पहुंच चुके बेंटेस लॉज, दैट इज द प्लेस एंड दिस इज द व्यू. अभी हम जिस पहलगाम मार्केट के लिए निकल रहे हैं वहां से प्लान है गाड़ी लेके इधर के गाड़ी वाले व्यू पॉइंट्स कवर करने का. तो यहाँ पे भी मेन दो चीजें करने के लिए, एक तो आप गाड़ी लेके कुछ पॉइंट्स पे जा सकते हो, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आरू वैली, ये तीन जगह. एंड उसके अलावा द अदर थिंग इज आप घोड़े से या चल के बैसारन वैली, कश्मीर वैली और इनमें से किसी को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, वो भी कवर कर सकते हो. दिस इज हीवन होटल एंड बेंटेस लॉज वहाँ पे है. इस ये अभी हम उतर के आए जहाँ पे हम रुके. एंड दिस इज हीवन होटल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल होटल्स इन पहलगाम. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस. हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हीवन में ही रुके थे. एंड देखिए जस्ट बगल में रिवर देखिए, एंड यहाँ का पानी कितना क्लियर है यार. लिडर रिवर इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ पहलगाम आई वुड से. तवेरा कर दो साथ साथ मत. हमें आराम से रुक के शूट करके जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना टाइम वाइम का. ठीक है ठीक है. तो दीस आर द प्राइसेस. अभी हम निकल रहे हैं चंदनवाड़ी. हाँ, तो चंदनवाड़ी इज द प्लेस जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है. सो दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ पहलगाम और इसके बाद चंदनवाड़ी आता है. सो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है. सो वी हैव रीच्ड द फाइनल पॉइंट चंदनवाड़ी. यहाँ पे स्टॉल्स वॉल से जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो. समर्स में ना जब मई जून के अराउंड यहाँ पे बर्फ़ होता है, तो यहाँ पे बर्फ़ की एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं. विंटर में जब अपन आए थे लास्ट टाइम, दैट इज़ रियली द बेस्ट टाइम टू कम हियर. बट तब ये सब नहीं खुला होता है, ये शॉप्स वगैरह नहीं खुले होते. आपको काफ़ी पहले ही रुकना पड़ता है एंड देन ट्रैक करके एक्सप्लोर करना पड़ता है. बट दीज ट्रीज लुक रियली ब्यूटिफुल विद स्नो ऑन इट. सो कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन इंडिया फॉर मी. एंड कश्मीर में मुझे सबसे अच्छा लगता है पहलगाम. एंड पहलगाम में मुझे सबसे अच्छा लगता है आरू वैली. सो आरू वैली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एंड वहाँ का रोड इतना सुंदर है, बीच में तो लगता है कि एकदम यूरोप के थ्रू जा रहे हो. आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया है, इट लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड और समथिंग. आई शो यू गाइस व्हेन वी रीच देयर. बट फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू बेताब वैली. सो ये हम पहुँच गए बेताब वैली. सो इसका नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे सनी देओल की जो मूवी है बेताब, वो यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी. सो दैट्स हाउ दिस इज कॉल्ड बेताब वैली. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली बट इट्स डिजाइंड लाइक अ पार्क. सो यहाँ पे एंट्रेंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे आपको 100 rupees पर पर्सन. एंड यहाँ पे यार लिदर रिवर सबसे सुंदर लगता है. देखिए क्या मस्त कलर है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल.
सो आप जैसे ही आओगे यहाँ पे बोलते हैं कि घोड़े पे ट्रैक पे ले जाएंगे, वाटरफॉल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। अब वाटरफॉल का तो ये सीन है कि वाटरफॉल तो आपको बहुत जगह ऑन द रोड ही मिल जाएगा। नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, वाटरफॉल देख लिए भैया, बहुत देखा। जस्ट एज आई वाज सेइंग, वो दिख रहा है आपको वाटरफॉल्स, तो ट्रैक करके वो वही ले जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हो यहाँ से। तो बेताब वैली में ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो, पिकनिक टाइप्स कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने की भी जगह है। इस ब्रिज पे इश्क वाला लव गाने की शूटिंग करी गई थी। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर आरू वैली, और बीच में हम जो डियर पार्क है वहाँ पे रुक के देखेंगे। सो डियर पार्क में हमने कुछ एनिमल्स देखे, उसके बाद वी रेज्यूम्ड अवर जर्नी टुवर्ड्स आरू वैली ऑन द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड आई हैव एवर सीन। जस्ट चेक इट आउट। So this is Aru Valley. तो यहाँ पे आप टेंट्स भी लगा सकते हो, लोग टेंट वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड टेंट के मार्किंग्स भी है। कश्मीर इज सो फुल ऑफ हिडन जेम्स। जिस रिवर साइड पे अभी हम चिल मार रहे थे, ये मैंने लास्ट टू ट्रिप्स में आरू वैली में नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि हम वहाँ से चढ़ के आरू वैली के टॉप पे जाया करते थे। एंड टॉप पे अभी तो नहीं जा रहे, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है हर भगवान ट्रैक, दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली। बट अभी मैंने ड्रोन को बेच के थोड़े शॉट्स लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे हाउ इज इट वर्थ गोइंग देयर। So with that, we'll be leaving this beautiful place. आरू वैली में स्केटबोर्ड कर रहा था, मस्त गिरा यार, इसी के लिए थोड़ा लाइक कर दो। We just loved our stay, covered by forests on all the sides and waking up to this beautiful view. So let me tell you guys about the stay itself. So guys, this is Bentes Lodge, and it's a very cool place to stay in if you're doing vacation or something. So let me just show you around the place. यहाँ पे आपका एक common dining hall है with a fireplace and some great views. Just check it out. ऐसे individual rooms हैं जो आपको allowed होंगे. So this was our room. The rooms are not very big, but it is equipped with all the facilities. Multiple charging points, और एक बहुत ही बढ़िया गीजर, और रूम से व्यू आप देख सकते हो, काफी क्रेजी व्यूज। वाईफाई का भी स्पीड बहुत अच्छा है, फाइबर नेट है, सो इट गिव्स 60-70 Mbps ऑन वाईफाई। ऑल्सो एयरटेल का जो 4G है वो भी बहुत बढ़िया चलता है, सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस इफ यू वॉन्ट टू वर्केशन। तो आज हम जा रहे हैं पहलगाम के जो घोड़े वाले व्यू पॉइंट से वो एक्सप्लोर करने का। सो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, होप इट डजंट स्पॉइल अवर प्लान। बादल देख लो। सो घोड़े पे बैठ चुके हम। Definitely looks like we are going to a very beautiful place.
लाइक आपको फील आ जाती है ना कैसी होगी जगह. सो वी आर एट बाईसारन वैली विच इज़ कॉल्ड द मिनी स्विट्ज़रलैंड. बहुत सुंदर जगह है यार, पूरा मस्त ग्रीन हो रखा है. एंड दिस इज़ इन सेप्टेम्बर, तो मई जून में आई कैन इमेजिन कि कितना खतरनाक लगता होगा. अभी भी बहुत क्रेजी लग रहा है, हर तरफ डेंस फॉरेस्ट है एंड पहाड़ों का व्यू तो है ही, वेरी ब्यूटिफुल. We are leaving mini Switzerland now. कैसे लगा आयशा जगह? Very beautiful. It's just like Switzerland. हाँ, this is a must visit place. यहाँ पे आप पैदल आ सकते हो. पैदल आओगे तो आपको लगभग डेढ़ घंटा लगेगा एंड घोड़े से हमें एक घंटा लगा है. Very beautiful place. तो यहाँ से आगे आप कश्मीर वैली भी जा सकते हो which is also pretty much like this. But हम अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं एंड यहाँ बाईसारन वैली या मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं वहाँ तक का हमसे 500 लिया है पर घोड़ा. सो अगले एपिसोड में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे और वादियों के थ्रू चलते हुए और ऐसे ऑफ बीट जगहों पे कैंप करते हुए वील बी डूइंग अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक ट्रैक टू हर भगवान लेक.